हेलो दोस्तों, मॉम डॉट वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंतरा और आज हम बात करेंगे बच्चों को गोरा बनाने के टिप्स के बारे में। बहुत बार पेरेंट्स को एक टेंशन रहती है कि बच्चे का जो कलर है वो दिन ब दिन ढलता जा रहा है, या बच्चा जब से हुआ है तब से वो थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन का था। तो हम ऐसा क्या करें, ऐसी कौन सी रेमेडीज यूज करें जिससे हमारे बच्चे को हम गोरा बना सकते हैं, तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और समझेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक मिलती रहें। हमारी सारी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन क्लिक करें एंड नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए बेल आइकन हिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। सो फ्रेंड्स, किसी भी टिप को स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ एक चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है कि ह्यूमन बॉडी का जो कलर होता है, जैसे किसी का फेयर है किसी का डार्क है, वो पूरी तरह डिपेंड होता है अमाउंट ऑफ मेलानिन इन आवर बॉडी। अगर किसी की बॉडी में मेलानिन जो है वो ज़्यादा है तो स्किन कलर जो होगा वो डार्क होगा, अगर मेलानिन कम है तो स्किन कलर जो है वो फेयर होगा। और ये मेलानिन जो है वो डिपेंड करता है हमारे जेनेटिक्स के ऊपर, मतलब हमारे पेरेंट्स के ऊपर या हमारे दादा नानी के ऊपर, उन सब पे डिपेंड करता है कि हमारा जो स्किन कलर होने वाला है वो क्या होने वाला है। और ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती है जब हम बच्चे को कंसीव करते हैं। जब बच्चे को हम कंसीव करते हैं तभी बच्चे का कलर जो है वो बन जाता है कि बच्चे का कलर क्या होने वाला है। और कुछ मिथ्स होते हैं जो हम इंडियन फैमिलीज़ में बिलीव करते हैं, जैसे बोला जाता है कि नारियल पानी पिएंगे तो बच्चा गोरा होगा, या हम बादाम खाएंगे तो बच्चा गोरा होगा। ये सब मिथ्स हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा ही होता कि नारियल पानी पीने से बच्चा गोरा होगा तो मैं अफ्रीका में थी, अफ्रीकन्स बहुत काले हैं, अफ्रीका में नारियल पानी पीने का बहुत चलन है, वहाँ के लोग क्यों गोरे नहीं हैं? अगर नारियल पानी पीने से गोरे ही होते तो वो लोग क्यों गोरे नहीं हैं? तो ये सब थोड़े लॉजिकल चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए। प्रेगनेंसी के टाइम पे हम कुछ भी खा लें या बच्चे को बाद में कुछ भी खिला दें, बच्चे का जो स्किन कलर होता है, जो नेचुरली उसे मिला होता है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, बच्चे के पिगमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। बट येस, हम बच्चे के स्किन को चमकदार ज़रूर बना सकते हैं, हेल्दी ज़रूर रख सकते हैं। तो हम बच्चे के स्किन को चमकदार कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हम आगे चल के बात करते हैं। अभी उससे पहले हम ये समझते हैं कि बच्चे को गोरा बनाने के लिए पेरेंट्स कुछ गलतियां कर देते हैं कि बच्चा हमारा गोरा दिखेगा, या बच्चे को हम ये करेंगे तो गोरा हो जाएगा बच्चा, और हम बच्चे का नुकसान करते हैं उस चलते। तो हमें ऐसा नहीं करना है ताकि बच्चे को कोई नुकसान ना हो, तो इस बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ जो हम गलती करते हैं वो है कच्चा दूध। हम इंडियन फैमिलीज़ में एक ट्रेंड है कि कच्चा दूध लगाने से चेहरे का रंग जो है वो निखरता है, और इसी के चलते बच्चे को भी कई लोग कच्चा दूध लगा देते हैं। मैंने देखा भी है 2 या 3 महीने के बच्चे को भी कच्चा दूध लगाते हैं लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चे भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, और कई बार कच्चा दूध जो है उसमें बैक्टीरिया हो सकता है, और ये बैक्टीरिया वाला दूध जब हम बच्चे के मुँह में लगाते हैं तो बच्चे के मुँह के अंदर भी जा सकता है, और फिर बच्चे को डायरिया हो सकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान दें, बच्चे को कच्चा दूध ना लगाएं। दूसरी चीज़ जो लोग गलती करते हैं वो ये है कि बच्चा जो है वो डल दिख रहा है, बच्चे को पाउडर लगा दो गोरा दिखेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बच्चे को पाउडर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। बच्चे के इनफेक्ट मैं बोलूँगी बड़ों को भी कभी भी पाउडर यूज़ नहीं करना चाहिए, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। इसका रीज़न क्या है कि हम सभी जानते हैं कि छोटी सी बात सबको पता होती है कि हमारी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे 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 पोर्स होते हैं जो हम नहीं देख पाते हैं, हमें नहीं दिखता है। और हम जब पाउडर लगाते हैं तो ये छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं पाउडर उसे भर देता है, और जो हमारी बॉडी जो रेस्पायर करती है वो नहीं कर पाती है। तो इसीलिए पाउडर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, बड़ों को भी नहीं, बच्चों को भी नहीं। और दूसरा एक और रीज़न है पाउडर नहीं लगाने का बच्चों को, ये है कि बच्चे को जब आप पाउडर लगाएंगे, मुंह में लगाएंगे, गले में लगाएंगे, और ये जो पाउडर है वो उड़ेगा और बच्चे के मुंह के अंदर चला जाएगा, इनहेल कर लेगा बच्चा उस चीज़ को, जिससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो हमें पाउडर नहीं लगाना चाहिए बच्चे को। बच्चा जो जैसा है बहुत प्यारा है, पाउडर लगा के आप बच्चे को गोरा ना करें, क्योंकि ये टेम्प्रेरी गोरा है। और आप बच्चे को पाउडर लगाएंगे तो आगे वाले को भी समझ जाएगा कि आपने गोरा बनाने के लिए पाउडर लगाया है, तो आपको पाउडर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ जो लोग गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो ये है कि बच्चा काला हो जाएगा, बच्चे को धूप में मत जाने दो। ये बहुत बड़ी गलती है,
बहुत से पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चे को धूप में नहीं रखना है, बच्चा काला हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बच्चे को विटामिन डी की बहुत ज़रूरत है। और विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है, हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं कि विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स होता है सूरज की रोशनी। और अगर हम बच्चे को सूरज की रोशनी नहीं देंगे तो बच्चे में विटामिन डी की कमी हो जाएगी। और लेटेस्ट रिसर्चर्स आप चेक कर लीजिए, आजकल मोस्टली बच्चों को विटामिन डी की कमी है। और विटामिन डी की कमी से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, तरह तरह की कमी हो जाएगी बच्चों में। तो विटामिन डी की कमी ना होने दें, बच्चे को सूरज की रोशनी ज़रूरी है आप उन्हें दें। ये मैं मानती हूँ कि सन रेज से स्किन कलर जो है वो डार्क होती है, क्योंकि मेलानिन का लेवल हाई हो जाता है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सन के सामने नहीं जाना है, सन रेज नहीं लेना है, हमें ऐसा नहीं करना है, लिमिट में लेना है। अगर बच्चा बहुत छोटा है, साल भर से छोटा है, आप बच्चे को 5 से 7 मिनट के लिए रोज सूरज की रोशनी ज़रूर दें। इससे बच्चे का कलर डार्क नहीं होगा, बच्चे का कलर चमकदार होगा। अगर विटामिन डी की कमी नहीं होगी बच्चे में, तो बच्चे की जो स्किन होगी वो ब्राइटन रहेगी हमेशा। तो आप ये सोच के बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि बच्चे को धूप में नहीं ले जाना है, धूप में ज़रूर लेके जाना है 5 मिनट के लिए। और अगर बच्चा साल भर से ऊपर है तो आप 10 मिनट या 15 मिनट के लिए बच्चे को ज़रूर दें, डेली दें। चौथी चीज़ जो बहुत बड़ी गलती हो जाती है हमसे अनजाने में, वो ये है कि कहीं ना कहीं हम अपने बच्चे के माइंड में ये फीड कर रहे हैं कि जो गोरा है वो सुपीरियर है, जो काला है वो इन्फीरियर है। आप बोलेंगे मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, पर ऐसा है। आप सोच रहे हैं कि आपका बच्चा गोरा हो पर आपका बच्चा काला है, तो उसके मन में यह आ जाएगा ना कि अच्छा गोरा मतलब बेस्ट होता है, इसलिए मम्मी गोरा चाहती है, मेरे को गोरा बनाना चाहती है, मतलब मैं इन्फीरियर हूँ। तो उससे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, जो हमें बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। अपने बच्चे को ये चीज़ नहीं समझानी चाहिए, हमें हमेशा ये समझाना चाहिए कि बच्चा गोरा हो या काला हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दैट इज़ ओनली अ कलर, नॉट योर पर्सनैलिटी। हमें यही समझाना चाहिए बच्चे को। तो आप ये कोशिश करें कि ये चीज़ आप बच्चे के सामने डिस्कस ना करें और बच्चे को ये सब चीज़ों से फ्री रखें। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी जो बच्चे के साथ हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब हम समझते हैं कि हम ऐसा क्या करें, ऐसी कौन सी रेमेडीज़ यूज़ करें जिससे बच्चे की जो स्किन होती है हम उसे ब्राइटन कर सकें, बच्चे की स्किन को हम हेल्दी रख सकें। तो पहला टिप है वार्म ऑयल मसाज। घर के बड़े हमेशा ये कहते हैं कि बच्चे को हमेशा गुनगुने तेल से मालिश करना चाहिए। इसके पीछे एक लॉजिकल रीज़न होता है कि कोई भी तेल हो, चाहे आप कोई भी तेल यूज़ करें, मस्टर्ड ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो, जो भी तेल हो, वो थोड़ा गाढ़ा होता है। और जब हम इस गाढ़े तेल को थोड़ा सा गर्म करते हैं वो तुरंत ही पतला सा हो जाता है। और इस पतले और गर्म तेल को जब हम बॉडी में मसाज करते हैं बच्चे के, तो बच्चे का जो पोर्स होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं बॉडी में, तो वो पोर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं और तेल जो है वो अच्छे से अंदर हमारी बॉडी के अंदर जा पाता है। इससे जो है बहुत बच्चों की जो हड्डियां होती है स्ट्रांग होती है, मांसपेशियों में ताकत मिलती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि थोड़ा सा वार्म ऑयल मसाज यूज करना चाहिए। वार्म ऑयल मसाज के और क्या फायदे होते हैं कि बच्चे की जो स्किन होती है वो काफ़ी टाइम तक मॉइस्चराइज रहेगी, बहुत जल्दी जो रैशेज आ जाते हैं बच्चों के स्किन में या क्रैक्स आ जाता है, बहुत जल्दी फट फट जाती है, वो नहीं होगा, बच्चे की स्किन बहुत अच्छी और हेल्दी लगेगी। तो मालिश करने का सबसे बेस्ट टाइमिंग होता है बिफोर बाथ। ऐसा इसलिए क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो तेल होता है वो थोड़ा सा स्टिकी होता है, और अगर हम तुरंत अगर बच्चे को नहीं नहलाएंगे तो बच्चे की बॉडी में डर्ट चिपक जाएगा, जिससे बच्चे की स्किन थोड़ी सी खराब सी होगी। तो इसलिए हमें बच्चे को हमेशा मालिश करके नहलाना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उपटन। न्यूबॉर्न बेबीज में आपने देखा होगा कि बच्चे की पूरी बॉडी में छोटे छोटे हेयर होते हैं, तो ये जो हेयर होते हैं उस वजह से कई बार बच्चों का जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो डल लगता है। हमें लगता है कि बच्चे का कॉम्प्लेक्शन है डल है, एक्चुअली जो है वो हेयर की वजह से जो बच्चे का कॉम्प्लेक्शन है वो हमें नहीं समझ आ रहा है। तो इसलिए बच्चे की पूरी बॉडी में जब हम उपटन लगाएंगे, मतलब जैसे मैं आपको उपटन के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बना के दिखाऊंगी कि कैसे हमें उपटन बनाना होता है, तो उपटन जो हम बच्चे को लगाते हैं तो बच्चे की जो हेयर होती है वो सारी निकल जाती है, फिर क्या होता है बच्चे का जो एक्चुअल कॉम्प्लेक्शन होता है वो दिखने लगता है। तो इसलिए उपटन लगाना चाहिए बच्चों को। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी वॉश। छोटे बच्चे को हमेशा हमें सोप की जगह बॉडी वॉश से ही नहलाना चाहिए। इसके पीछे एक रीज़न है कि जो सोप होता है, चाहे वो छोटे बच्चे का ही सोप क्यों ना हो, अगर आप उससे नहलाएंगे बच्चे को तो बच्चे की जो बॉडी होगी वो थोड़ी रूखी रूखी होगी, और अगर आप बॉडी वॉश से नहलाएंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। आप खुद ही परचेस करिए, एक सोप परचेस करिए, छोटे बच्चों का जो सोप आता है वो परचेस करिए, और एक बॉडी वॉश बच्चों का जो आता है वो परचेस करिए, आप खुद डिफरेंस लगाइएगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मॉइस्चराइजेशन।
जब भी आप बच्चे को नहलाते हैं उसके बाद तो आपको मॉइस्चराइजर पूरी बॉडी में लगाना है बच्चे के, और साथ में आपको ये कोशिश करनी है कि बच्चे की स्किन जो है वो बहुत जल्दी से फट फट जाती है और रूखी हो जाती है, क्योंकि बच्चे इतने हाइड्रेटेड नहीं रहते हैं। तो इसको रोकने के लिए आप बच्चे को बार बार मॉइस्चराइजर लगाते रहिए ताकि बच्चे की स्किन जो है वो थोड़ी सी मॉइस्चर रहे हमेशा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रेशन। पानी पीने के लिए बच्चे को हमेशा हमें एनकरेज करना चाहिए, अलग अलग तरीक़ों से एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चों को डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होता है, तो एक बार बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है तो सबसे पहले वो हमारी स्किन में आता है कि हमारी स्किन जो है वो रूखी लगेगी, बहुत जल्दी फट फट जाएगी। तो ये सब जो होता है वो डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। तो आप हमेशा ये कोशिश करें कि बच्चे को हमेशा हाइड्रेटेड रखिए। अगर बच्चा बहुत ही छोटा है, जैसे 6 महीने से छोटा है, तो यहाँ पे आप डिहाइड्रेशन का टेंशन ना लीजिए, क्योंकि बच्चे को जो पानी की ज़रूरत होती है वो बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू या फॉर्मुला मिल्क के थ्रू मिल जाती है। तो वहाँ पर आप ये पानी वाला कंसेप्ट मत यूज़ करिए। पानी वाला जो है वो 6 मंथ्स के ऊपर जो है बच्चे उनको पानी पिलाते रहना है हमें बार बार, तो ये ध्यान देना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है वो है विटामिन इनटेक। छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत बार वेजिटेबल्स नहीं खाना चाहते हैं या तो फिर फ्रूट्स नहीं खाना चाहते हैं, जिस वजह से उनको जितना विटामिन मिलना चाहिए, जो विटामिन की ज़रूरत है वो फुलफ़िल नहीं हो पाती है, और चेहरा जो है वो डल हो जाता है, शाइन नहीं करता है, बहुत रूखा लगता है। तो ये हमें ये बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि बच्चे के डाइट में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को हमें ऐड करना है ताकि बच्चे की जो स्किन है वो हमेशा बोल सकते हैं आप चमकती रहे। क्योंकि हम ऊपर से कुछ भी लगा ले, कितना भी मॉइस्चराइजिंग कर ले चेहरे को, कितना भी ऑयलिंग कर ले, पर जो एक्चुअल ग्लो होता है वो हमारे जो फूड इनटेक होता है उससे होता है। तो हमें ऐसी चीज़ें खानी है जो हमारे अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, सब कुछ प्रॉपरली हमें मिलता रहे। तो बच्चे के खाने पे आप ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, बच्चे को वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भरपूर मात्रा में दीजिए ताकि बच्चे की स्किन जो है वो बहुत चमकती रहे। सो फ्रेंड्स, इतनी सी ही बातें थी बच्चों की स्किन को ब्राइटन और हेल्दी रखने के लिए। आई होप आप सभी ये सब चीज़ों को फॉलो करेंगे और अपने बच्चे की स्किन को अच्छा रखेंगे। तो अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।